और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। कोरोना काल में 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे रहा है केंद्र, तो ये बड़ी खबर। गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से आज पीएम का संवाद होगा। आज गुजरात के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े, बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने शुरू की है ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। जी हां, 17 विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश है। राहुल ने सुबह 9 बजे रखी है चाय पार्टी। एनसीपी एसपी आप शिवसेना नेता होंगे शामिल, टीएमसी आरजेडी नेता भी जुटेंगे, बीएसपी रहेगी बाहर। तो राहुल गांधी ने चाय पार्टी रखी है, 17 विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश है कि विपक्ष एकजुट हो। राहुल गांधी ने शुरू की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, 17 विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की। चाय पर होगी चुनावी चर्चा। नाश्ते की टेबल पर होगा मंथन। सत्रह दल मिलकर पकाएंगे खिचड़ी। केंद्र को घेरने की बनेगी रणनीति। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठेंगे सियासी परिवार, चाय की चुस्कियों संग करेंगे सरकार पर प्रहार। किसान, पेगासस और यूपी चुनाव पर होगा फोकस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक, राहुल गांधी होंगे मेजबान, 17 दलों के नेता होंगे मेहमान। मानसून सत्र में फ्रंट फुट पर खेल रहे राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को मंत्रणा के लिए बुलाया है। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया है। राहुल गांधी की चाय पार्टी में डीएमके और शिवसेना को बुलाया गया है, आरजेडी और टीएमसी को न्योता दिया गया है। सीपीआई और सीपीएम के नेता भी राहुल की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता भी राहुल की चाय की चुस्कियां लेंगे। आम आदमी पार्टी भी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी पहुंचेंगे। केसीएम और वीसीके को भी न्योता दिया गया है, पुरानी सहयोगी एनसीपी को भी बुलाया है। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले ने पहुंचने का कन्फर्मेशन भी भिजवा दिया है। राहुल गांधी की कोशिश सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर केंद्र पर दबाव बनाने की है। कोशिश है कि पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर लाया जाए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। न्योता बीएसपी को भी भेजा गया था, लेकिन यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बीएसपी ने बैठक से किनारा कर लिया है।